अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इजी पैसे के ज़रिए पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे आसान तरीके से। सबसे पहले आपके पास इजी पैसा का अकाउंट होना लाजमी है और आपके एंड्रॉयड डिवाइस में इजी पैसा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो। आपने प्ले स्टोर में सर्च करना है इजी पैसा और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है। मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ अपना अकाउंट। ये देखो दोस्तों, आपके सामने नीचे ऑप्शन आ रहा होगा डेली कैश बैक ऑफ़र, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और ये देखो दोस्तों, मेरे पास एक आ चुका है 6 रुपये कैश बैक का क्लेम, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ये देखो दोस्तों, मुझे 6 रुपये मिल गए हैं यहाँ से, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको मैं दिखा देता हूँ, आपने वांट टू अर्न मनी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपया है, बिल्कुल नहीं है, तो आपको डेली के 2 रुपये मिलेंगे। अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपये है तो आपको डेली के 3 रुपये फ्री में मिलेंगे। अगर आपके अकाउंट में 3,000 रुपये है तो आपको डेली के 4 रुपये मिलेंगे। अगर आपके अकाउंट में 5,000 है तो आपको डेली के 6 रुपये मिलेंगे। अगर आपके अकाउंट में 10,000 है तो आपके अकाउंट में 7 रुपये मिलेंगे फ्री में। मेरे अकाउंट में 5,000 है तो मुझे डेली के 6 रुपये मिलते हैं। आप इसके ज़रिए फ्री में पैसे अर्न कर सकते हैं। मेरे पास आप 5,050 रुपया है, आप यहाँ से डेली के पैसे कमा सकते हैं। मैंने कल भी क्लेम किया था, आज भी कर दिया और ये आगे डेली के मुझे 6 6 6 रुपये मिलते रहेंगे। आप भी यहाँ से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और अपना यहाँ पे इस लोड कर सकते हैं प्रीपेड में। आपने जिसका करना हो, जैज का, जोंग का, आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से आप बिल भी पे यहाँ से कर सकते हैं। इन्हीं पैसों से आप यहाँ से फ्री पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप भी जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और अपना टेलीनॉर का अकाउंट क्रिएट करिए और फ्री में पैसे कमाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।